BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2015 में फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिनेश कुमार पुत्र महेंद्र सिंह निवासी विजयगढ़ थाना गोंडा जिला अलीगढ़, जिसने बर्खास्त सिपाही भोला की मदद से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराए थे, जिनका सत्यापन कराने के लिए हाथरस पुलिस लाइन में उसे बुलाया गया, जहां पता चला कि जिस व्यक्ति के नाम से डॉक्यूमेंट हैं वह व्यक्ति वर्तमान में फौज में नौकरी कर रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जो पुलिस भर्ती एग्जाम हुई थी उसका अभी मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पुलिस लाइन में चल रहा है। इसमें एक केस हम लोगों के सामने आया जिसमें कि एक व्यक्ति है दिनेश, इसने एक बर्खास्त सिपाही है जो अलीगढ़ में रहता है, पूर्व में बर्खास्त हो चुका है, उससे मदद से इसने फर्जी मार्कशीट बनवाया और वो फर्जी मार्कशीट यूज करके एक व्यक्ति है सतीश, जो कि अभी भारतीय सेना में काम कर रहा है, उसके नाम से फर्जी मार्कशीट बना के उसने मेडिकल एग्ज़ाम और 2015 की भर्ती, उसके बाद में मेडिकल एग्ज़ाम और अभी का चिकित्सा जो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें बैठने की कोशिश की। जब ये पकड़ा गया, इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए और फर्जी पाए गए, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें जो भोला है उसके पास से 81,000 रुपये बरामद हुए हैं, जो इन्होंने बताया कि पहले उसको 2,00,000 रुपये दे चुका है और अगर उसकी भर्ती हो जाती तो वो 3,00,000 रुपये और देने की बात वो कह रहा है। दोनों को पकड़ा गया है, इनके और पूछताछ की जा रही है ताकि ये भोला के और अगर कोई गैंग के मेंबर हो, सदस्य हो, उनको भी पकड़ा जा सके। जो पुलिस भर्ती एग्जाम हुई थी उसका अभी मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पुलिस लाइन में चल रहा है। इसमें एक केस हम लोगों के सामने आया जिसमें कि एक व्यक्ति है दिनेश, इसने एक बर्खास्त सिपाही है जो अलीगढ़ में रहता है, पूर्व में बर्खास्त हो चुका है, उससे मदद से इसने फर्जी मार्कशीट बनवाया और वो फर्जी मार्कशीट यूज करके एक व्यक्ति है सतीश, जो कि अभी भारतीय सेना में काम कर रहा है, उसके नाम से फर्जी मार्कशीट बना के उसने मेडिकल एग्ज़ाम और 2015 की भर्ती, उसके बाद में मेडिकल एग्ज़ाम और अभी का चिकित्सा जो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें बैठने की कोशिश की। जब ये पकड़ा गया, इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए और फर्जी पाए गए, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें जो भोला है उसके पास से 81,000 रुपये बरामद हुए हैं, जो इन्होंने बताया कि पहले उसको 2,00,000 रुपये दे चुका है और अगर उसकी भर्ती हो जाती तो वो 3,00,000 रुपये और देने की बात वो कह रहा है। दोनों को पकड़ा गया है, इनके और पूछताछ की जा रही है ताकि ये भोला के और अगर कोई गैंग के मेंबर हो, सदस्य हो, उनको भी पकड़ा जा सके।